आई एम सुदेश शर्मा फ्रॉम ASN हाई स्कूल। आज का टॉपिक साइंस क्लास 8 चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर। इनके लास्ट वीडियो में हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था। फोर्स क्या है? एनी पुश एंड पुल। अगर किसी चीज़ को पुश और पुल किया जाता है दिस इज अ फोर्स। और फोर्स तभी इफेक्ट डालता है जबकि वो कॉन्टैक्ट में आता है, ठीक है, इंटरेक्शन में। दो चीज़ एक दूसरे के इंटरेक्शन में आती हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। फोर्स क्या है? मोशन के स्टेट को चेंज कर सकता है, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, और साथ में शेप, किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को अगर पॉसिबल है तो उसकी शेप को चेंज कर सकता है। चलिए भाई, आज हम पढ़ेंगे फोर्स के बारे में। दो टाइप की फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। कॉन्टैक्ट फोर्सेज जो दो ऑब्जेक्ट के एक दूसरे कॉन्टैक्ट में आने पर वर्क करती हैं। सबसे फर्स्ट है इसका मस्कुलर फोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल है मस्कुलर फोर्स। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगर पुश और पुल, एक बुक अगर नीचे रखी हुई है, अगर हम उसको पुश करते हैं, उठाते हैं या पुश करते हैं, खिसकाते हैं, तो हमें क्या उसके टच में आना पड़ता है। तो और हम उठाने में, किसी भी बुक को उठाने में या फिर लिफ्ट करना या फिर इसको पुश करना, उसमें हम क्या अपने मसल्स का यूज़ करते हैं। दिस फोर्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। ऐसी एनिमल्स भी ड्रैग करते हैं ना सामान को, इसे एनिमल ड्रैग कर रहे हैं, ये ड्रैग करते खींचते हैं गाड़ी को, कार्ट को, तो कौन सा मसल्स की पावर का यूज़ करते हैं, जिसे मस्कुलर फोर्स, ठीक है भाई। दूसरी फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन एक नया वर्ड है आपके लिए। फ्रिक्शन मतलब क्या होता है, देखो पहले सुनो। सपोज़ करो एक बॉल है, बॉल को हमने पुश कर दिया और वो ज़मीन पे लड़ते थोड़े टाइम बाद रुक जाती है। रुकने का कारण अगर उसके स्टेट में चेंज हो रहा है, भाई पहले तो मूव पोजिशन में थी, धीरे धीरे रेस्ट पोजिशन में आ गई, मूवमेंट में चेंज हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ फोर्स तो उस पर ज़रूर वर्क कर रही है। यस, दिस इज़ कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट पे वर्क करती है और हमेशा अपोजिट फोर्स की डायरेक्शन की अपोजिट वर्क करती है। जैसे कि धीरे धीरे पैन का, जैसे आप लुटका देते हैं, धीरे धीरे उसका रुक जाना, बॉल का रुक जाना, राइट। साइकिल चलाया, अगर आप पैडल मारना छोड़ते धीरे धीरे, क्या साइकिल धीरे धीरे रुक जाती है, रेस्ट पोजिशन में आती है। क्यों? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण, जो कि एक दूसरे कॉन्टैक्ट में आने पर होता है, इसलिए इसे कॉन्टैक्ट फोर्स नाम इसका दिया गया है, राइट। देन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसमें कॉन्टैक्ट में आने की ज़रूरत नहीं होती। कभी आपने दो अगर चुंबक को या मैग्नेट को एक दूसरे के पास लिया जाए तो कहीं बहुत दूर रहने पर भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, और अगर डिफरेंट पोल्स को एक दूसरे के पास लिया जाए तो अट्रैक्ट करती हैं, और अगर सेम पोल, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल पता है आपको, अगर एक सिमिलियर पोल्स आपस में लाए जाए तो एक दूसरे को बिना टच किए हुए रिपेल करती हैं, मतलब दूर हट जाती हैं। तो ये भी तो एक टाइप की फोर्स है जिसमें कांटेक्ट नहीं होता। दिस फोर्स इज कॉल्ड नॉन कांटेक्ट फोर्स। अनदर वर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सच मोर एग्जांपल, आपने छोटे छोटे कागज के टुकड़े तोड़ के अपनी टेबल पे रखो और अपने बालों को कॉम करो, कॉम है ना, अपने बालों को कॉम करके तुरंत अगर उस कॉम को हम पेपर के पास ले आए तो पेपर धीरे धीरे क्या है, उससे स्टिक हो जाते, चिपक जाते हैं, या फिर कॉम से दूर हट जाते हैं। मीन कोई फोर्स तो वर्क कर रही है। यस, एक्चुअली क्या होता है, वर्कआउट करने से बालों में कॉम को, जैसे कॉम करने से क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकल चार्ज हो जाता है, उनमें चार्ज प्रोड्यूस होता है। इट्स इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, एक है ग्रेविटेशनल फोर्स। भाई कोई चीज़ हमने ऊपर की ओर उछालते हैं पर वो हमेशा ज़मीन की ओर ही क्यों आती है? फल अगर गिरते हैं वो भी नीचे की ओर गिरते हैं, पर हर चीज़ नीचे की ओर क्यों गिरती है? हम ये मानते हैं कि हाँ, अर्थ एक पावर लगाते, एक फोर्स लगाते जिससे हर चीज़ को अपनी ओर खींचती है। यस, इस फोर्स को आता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एंड दिस इज़ कॉल्ड ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फिर ग्रेविटी, जिसके कारण हर चीज़ ज़मीन की ओर ही पुल होती है, खिंचती चली जाती है। ओके, क्लियर। इसका नेक्स्ट टॉपिक है प्रेशर। प्रेशर क्या है? प्रेशर को हम कैसे बताएं? प्रेशर इज़ अ फोर्स ऑफ एरिया विच इज़ एक्ट। प्रेशर मतलब कि फोर्स अपॉन एरिया, जिस एरिया पे जितना फोर्स लगा है, यूनिट एरिया पे लगने वाली फोर्स को प्रेशर कहा जाता है। यूनिट एरिया मतलब कि 1 meter square पर लगने वाली फोर्स को कहा जाता है प्रेशर। जैसे भाई प्रेशर क्या है पहले बताओ, जैसे हमने देखे ना, हवा बहती है, या कभी वो ब्रीज है, बहुत अच्छी हवा है, कभी साइक्लोन बन जाती है, कभी स्टॉर्म बन जाती है, तो क्या प्रेशर है? किसका? एयर का प्रेशर। डिफरेंस है ना विंड्स में, साइक्लोन्स में। यस नो,
दिस इज कॉल्ड प्रेशर, मतलब जितनी ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी ही हाई पावर की एयर होगी, राइट। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया अपॉन विच इज एक्ट। ओके बच्चों, चलो भाई आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।